अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। हम व्लॉगिंग में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम पहले पहले दिन व्लॉग कर रहे होते हैं और पहले पहले दिन अपने बारे में बताते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी गलती है। आप ग्रो होना चाहते हैं, हर बंदा ग्रो होना चाहता है, हर बंदा चाहता है मेरी फ़ैन फॉलोइंग हो, मेरा ये हो, वो हो। तो देखिए, उसके लिए हमें जो है वर्क बहुत अच्छा करना पड़ेगा। हम पहले दिन से अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। अब एक छोटे से सवाल का जवाब दे भाई, लोग आपकी लाइफस्टाइल के बारे में क्यों जानेंगे? क्यों? क्या आप कोई सेलिब्रिटी है? नहीं है, ठीक है। या कोई आप जो है वो बहुत बड़े फनकार हैं जो लोगों को पता होना चाहिए कि भाई आप के बारे में आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं। देखिए, हम ये छोटी छोटी गलतियों से जो है वो अपने चैनल को जो है वो डेड करते चले जाते हैं। लोग हमें पसंद नहीं करते फिर स्टार्ट में, पहले दिन से। अब मैं फॉर एग्जाम्पल पहली वीडियो बना रहा हूँ, क्या मेरे फैन है? नहीं, ठीक है। पहली वीडियो से फैन फॉलोइंग नहीं होती, आपको वर्क करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है मैं आज 5 टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो व्लॉगिंग में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब बढ़ते हैं हमारे 5 टिप्स की तरफ। देखिए, पहला जो टिप है वो हमारे पास क्या है, बी रियल। हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें मतलब पहले जो एक हफ्ता वर्क करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, फेक चीज़ों को इन करते हैं। फेक चीज़ें कैसे भाई, प्लानिंग करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये है वो है। मतलब हम रियल नहीं होते भाई, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं किसी बुज़ुर्ग को मिला, अस्सलाम वालेकुम। मतलब हम डेली रूटीन में ये चीज़ें नहीं करते, लेकिन उस दिन हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम व्लॉग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम रियल नहीं होते। देखिए, झूठ तो झूठ है ना कभी तो बाहर आएगा। आप 4, 5, 10 व्लॉग के बाद जो है वो आपकी असलियत बाहर आनी है कि आप रियल में तो ये है ही नहीं, आप फेक है। तो देखिए, फेक काम ना करें, फेक काम ना, फिर लोग आप पर हंसेंगे, आपके फ़ैन फॉलोइंग नहीं बढ़ेगी, आप पे लोग हंसेंगे, तनकीद करेंगे, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले दिन से, या अगर कोई ये गलती कर रहा है तो अभी से सुधार लें, अभी से जो है वो रियल आ जाएं, जो आपकी डेली रूटीन है आप उस पर वर्क करें, उसको लोगों को बताएं, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो लेकर आएँ। लेकिन अपने बारे में मैं ये, मैं वो, मैं फलां, मैं फलां, नहीं, मैं ना करें। मैं तो बकरी करती है, आप ना करें, ठीक है। आप अपने आप को हिट करें, वर्क करें, मेहनत करें, लगन से काम करते रहें। जब आप सेलिब्रिटी या आपकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी हो जाए तो फिर आप लोगों को बताएं, फिर लोग आपसे कमेंट में पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, आपके लाइफस्टाइल के बारे में लोग जानने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड आ जाता है हमारे पास, कंसिस्टेंसी। देखिए, ये क्या होता है, ये हमारे पास है डेली वर्क करना। अब हमने क्या किया, मैंने आज व्लॉग बनाया, मैंने व्लॉग बना लिया, व्लॉग बनाने के बाद जो है मैं 4-5 दिन सो गया, वो मैंने एक व्लॉग बना दिया, हिट हो जाऊंगा मैं, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। नहीं, देखिए, कॉम्पिटिटर बहुत है व्लॉगिंग के लिए, बहुत है। अब व्लॉगिंग में भी टाइप्स आती है, तो हर तरह के टाइप जो मौजूद है व्लॉगिंग में, लोग काम कर रहे हैं, तो आपका जो है वो कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। तो आपको डेली बेस पर अच्छा वर्क, दिन ब दिन डेली आपको कोई ना कोई बेहतरीन कंटेंट जो है वो लेकर आना होगा, आपको डेली वर्क करना होगा, वरना जो है वो आप डाउन ही रहेंगे, डाउन होते चले जाएंगे। तो इसलिए जो है वो आपको डेली वर्क करना होगा। अगर देखें, अगर हम डेली वर्क में बात करें, पाकिस्तान में मास अफदर डेली व्लॉग आता है उसका, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, उसके व्लॉग की छुट्टी नहीं होती। वो उसने पूरे इयर्स जो है वो काम किया, आज माशाल्लाह उसकी फ़ैन फॉलोइंग देखें, ठीक है, अल्लाह उसको और कामयाब करें। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल्स एंगल कैसे, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं टेक का चैनल बना रहा हूँ तो मेरा एक ही एंगल है, सामने मेरे कैमरा रखा हुआ है और मैं जो है बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखें, ये एक ही एंगल है। अब व्लॉगिंग में आपके पास मुख्तलिफ एंगल आने चाहिए। अगर आप वॉक करके कहीं जा रहे हैं तो आप अपने एंगल्स को चेंज करें, सामने कैमरा रख दें और आप वॉक करते हुए चलें, ठीक है। साइड एंगल्स को यूज़ करें, एंगल्स मुख्तलिफ हैं, आप वर्क करें। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा तो यूट्यूब भरा पड़ा है, वहाँ से आइडियाज़ निकालें, वर्क करें, अपने वीडियोज़ को दिन ब दिन जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आएँ, ठीक है। एंगल्स जो है, मल्टीपल एंगल्स जो है वो बहुत काम आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, यूज समवन और समथिंग, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल वही मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बताया था कि आप अपने बारे में ना बताएं, तो ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है। देखिए, क्यों, कैसे है, अब क्या है कि मैं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इससे रोकना है। क्यों? क्योंकि आप मेरे बारे में नहीं जानना चाहते फिलहाल, तो मैं क्या करूँगा कि मैं किसी और चीज़, अब देखिए, लेटेस्ट जो है वो हमारे पास आईफोन्स की बहुत आती है, गाड़ियों की आती है, ठीक है। अगर आप आईफोन परचेज़ कर रहे हैं, आपका किसी दोस्त ने आईफोन परचेज़ किया है, या
जो कुछ भी है, मतलब आपके सराउंडिंग में अगर आप नहीं आईफोन परचेज कर सके, कोई और है, किसी ने किया हुआ है, तो आप उसको उसके बारे में नॉलेज देने कि भाई मैं आईफोन लेकर आया, या मेरा आईफोन जो है वो टूट गया, या कुछ इस टाइप का। लेकिन वो उससे रिलेटेड वीडियोज़ होनी चाहिए, तो आप इससे रिलेटेड कॉन्टेंट बनाएं। तो कॉन्टेंट में भी देखें, हमारे पास डेली जो है वो आपको कोई बेहतरीन कॉन्टेंट लेकर आने होंगे, और ट्रेंडिंग कॉन्टेंट्स पे वर्क करना होगा, ठीक है। तो आपको जो है वो, और घूमने घूमने जाएँ, ठीक है, वहाँ बताएं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं, कराची में किसी भी बेहतरीन जगह पे, बेहतरीन पॉइंट पर जा रहे हैं, तो आप उसके बारे में बताएं। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, तो आप उसके टेस्ट के बारे में बताएं, उसके किचन के बारे में बताएं, आप उनके बारे में व्लॉगिंग करें। अब देखिए, ज़्यादातर जो है अमूमन हमारे पास क्या होता है कि हम जो है व्लॉग में फूड व्लॉग्स जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप इस तरफ आ सकते हैं, ये बेहतरीन है। आपके शहर में बहुत सारे जो हैं वो स्ट्रीट वाले होंगे, मतलब स्ट्रीट में जो है फूड्स होंगे, लोकल भी हों, भले अगर आप गांव साइड से या छोटे किसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप वहाँ से आगाज़ करें। देखिए, आगाज़ करना होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए, पॉइंट नंबर 5 हमारे पास आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो अदर्स व्लॉगर्स, ठीक है। फॉलो अदर व्लॉगर्स क्यों? क्योंकि देखें, उनको कॉपी नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको देखें, आप उनको देखें, उनसे सीखने की कुछ ना कुछ कोशिश करें, ठीक है। उनको बिल्कुल ही कॉपी ना करें कि जिस चीज़ पे उन्होंने बनाया। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने बना दिया भाई, उसने गाड़ी खरीदी है, अब आप उसको फुल कॉपी कर रहे हो, आपने तो गाड़ी खरीदी नहीं, आप कहाँ से गाड़ी दिखाएंगे? तो देखें, वो पहले वाला पॉइंट मैच हो रहा है बीरियल वाला, ठीक है। आप फेक सिस्टम की तरफ ना जाएँ। इसी तरह जो है वो आप अपने वर्क करें, इंशाल्लाह जो है आप इन 5 पॉइंट पे वर्क करेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका चैनल जो है व्लॉगिंग का ग्रो करेगा। और मेरी सजेशन यही है कि आप फूड के व्लॉग करें। अगर कोई सोच रहा है कि मुझे व्लॉग करनी है, लेकिन उसको कंटेंट नहीं मिल रहा है कि मुझे क्या करें, तो देखें, फूड बहुत है, फूड की व्लॉगिंग आप ईजीली कर सकते हैं। आजकल वो एक व्लॉगिंग में चल रहा है, 1000 रुपये का नोट लेकर देख रहे, मैं 1000 रुपये के नोट में क्या क्या खा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह जो भी आपकी रेंज है, 500 है, 1000 है, आप अपनी रेंज के हिसाब से चले। क्यों किसी को कॉपी कर रहे हैं? कॉपी ना करें, रियल रहें। 300 रुपये हैं, 300 रुपये मार्केट में लेकर जाएं, मैं ये खा रहा हूँ, आप उनके बारे में बताएं कि इसका टेस्ट ऐसा है। ये फॉर एग्जांपल किसी के दुकान वाले का या किसी ठेले वाले का बता दें, आप यहाँ कितने टाइम से खड़े हैं। आप जो है वो बहुत सारे कंटेंट जो है व्लॉगिंग के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, लगन से काम करते रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात दोबारा किसी और वीडियो में होगी, किसी और कंटेंट में होगी। इंशाल्लाह सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो व्लॉगिंग करना चाहते हैं या जो व्लॉगिंग कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।